मांगे। फिर दूसरी नंबर एलईडी के बाद में दीपा नाम की अर्जी है, दूसरी एलईडी के बाद। दूसरी कौन सी पड़ेगी? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दूसरी ये। हाँ, जो स्टॉल डाले हुए बहन जी थी, वो लाल सा स्टॉल डाले बहन जी दीपा खड़ी थी सिर पर, वो आ जाओ। दो नंबर एलईडी, यहां तो एक ही पड़ रही है, वो है दो। आ जाओ, ये जो बैग लिए हाथ में वो है, बैग लिए हाथ में, लाल स्टॉल सिर पर डाले, पीली सी दो नंबर एलईडी, एक एक दो दो के बाद। भाई चुप चुप बैठे, बोलो बागेश्वर धाम की। आओ बहन नजदीक, कहां से हो? माइक लो। कहां से बहन? भोपाल से। भोपाल से। पहली बार आए? धाम पर तीन बार आ चुके। अच्छा, अर्जी पहली बार लग रही हमारे पास में। जी गुरु जी, पहली बार। जी बहन, बालाजी, बब्बा, सीताराम, अरे साधु जी सीताराम। बहन नजदीक, बोलो क्या प्रश्न है आपका? सब कुछ, मतलब कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, इतनी एज हो गई है और अभी तक कुछ भी। क्या नहीं हो रहा है? कुछ भी ना, जॉब का ना, बस और बीमारियां बढ़ती जा रही थोड़ा। है भैया, ये माइक में दिक्कत है कि आप थोड़ा लाउडली बोलो। कौन सा काम नहीं हो रहा है? हर तरह के काम रुके हुए और एज बहुत होती जा रही है और बीमारियां। इसमें तीन प्रश्न आपके आए हैं, आप हमारी सुनते जाएं, हाँ या ना का जवाब तो आप बढ़िया क्लियर दे सकते हैं। मंगल काम में रुकावट बनी, परेशान है, जॉब की स्थायित्व प्राप्त नहीं हुई जिससे परेशान है, शरीर में पीड़ा बनती है, दर्द बनता है, इन्फेक्शन, गांठों में दर्द, पेट में पीड़ा बनती है, उठने बैठने की समस्या से वर्तमान में बहुत ज्यादा परेशान है, इतना असहनीय दर्द होता, मंगल काज रुकावट व जॉब योग में रुकावट का मूल कारण कुल देवता है, आपकी बेदी माता रुष्ट है, बेदी माता है जिनके बारे में ना कभी जाना है, ना पता लगा है, ना उनकी कभी आज तक पूजा की है, उनका हवन एक बार आप करवाइएगा, रुकावटें दूर होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, कृपा होगी, धाम की पेशी करें, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। क्या ये तीनों प्रश्न सही? दादी से पूछा था कुलदेवी, तो उनको पता नहीं है, तो बेदी माता पूर्व के मकान में, पुराने मकान में है, 40 साल से उनका हवन बंद है। बेदी का पूर्व में स्थान तुलसी घर होता है, पुराने वाला मकान जो आ रहा है बार बार हमारे संकेत में, उसमें तुलसी घर के पास में बनी हुई थी, वर्तमान में मिट चुकी है, वर्तमान में कोई स्थान नहीं है उनका, और पूरा वंश हैरान है, केवल आप नहीं है, पूरा वंश हैरान है, न स्थायित्व, न शादी, मंगल काज और व्यापार, एक जन के पेट में इन्फेक्शन कर दो तो दवा काम नहीं करी थी, फिर दिखवाई, पूरे परिवार में वही उथल पुथल मचाए हुए हैं, क्योंकि बेदी माता रुष्ट हैं, उस पर आप एक बार हवन करवाइए, नवरात्रि में करवाइए, योग ब्राह्मण से करवाइए, बालाजी कृपा करेंगे, इसका परिणाम जो शरीर में दर्द है उसमें आज से ही लाभ होगा, तो समझ जाना बेदी थी या नहीं थी। बोले हनुमान जी महाराज की। कोई परम शक्ति तो गुस्सा नहीं, 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 कोई कनेक्टेड शक्ति नहीं, गंदी शक्ति नहीं, आपके पितर भी नहीं, आपके पूर्वज भी नहीं, ना वो कनेक्टेड हो रहे, ना वो घूम रहे, इनके लिए जो आपने उपाय करे वो ठीक है, पूर्वजों के लिए उपाय करना कोई बुरा नहीं है, वो भी हमने देखा है, उस पर हमने देखा, आपने बहुत उपाय करवाए किए, उनमें कोई दोष नहीं है, पर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं है, मूल जड़ है आपकी बेदी। और एक बार पहले भी इस बारे में किसी योग गुरु ने बताया है, इस विषय पर, बेदी के विषय पर एक योग गुरु ने इस पर संकेत भी दिया है, बाकी पितर आपके नहीं है, कोई पूर्वज नहीं है, नहीं, स्थान घर में ही है, पूर्व वाले मकान में है, बिल्कुल। यहाँ पर पहले क्या था आपका, ये जो मकान बना बरामदा वाला मकान था, ये बरामदा बरामदा
आपकी भाषा में क्या बोलें? हाँ, मैं समझती हूँ। हाँ, बरामदा वाला स्थान था और बीच में तुलसी घर बना था। जानते तुलसी घर क्या कहलाता है? जहाँ तुलसी माता का स्थान देते हैं, वहां पर बेदी का स्थान बना हुआ था। विगत इसमें हमारी जो डिटेल आई है 40 साल आ गई है, 40 साल आ चुकी है, 40 साल से शून्य हो, 40 साल से ही पूरा बन सकता। ये जवाब पूरा आया है, हनुमान जी कृपा करेंगे। कोई कनेक्टेड शक्ति नहीं है, कोई नकारात्मक या सकारात्मक। और हम एक बात आपको बहन इसलिए बुलाए हैं, नाम सहित इसलिए बुलाए हैं, हमें ज़्यादा ऊर्जा को खींचना भी नहीं है, जो नहीं है उसको खींचने का प्रयास नहीं करना। हमारी भाषा समझ रहे हैं? ध्यान में, विधि में, उनके होम दे करके उनको बुलाने का प्रयास नहीं करना है। ये आपने बहुत बड़ी भूल की, इसीलिए हमने आपको बुलाया है, इसलिए आपको ये पर्चा बनाया है आपका। अब समझ आ गई पूरी? सियावल रामचंद्र की जय। बोले सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की, बालाजी सरकार की जय। जय श्री राम।